आज हम लोग जानेंगे अम्ल राज के बारे में। आखिर इसको अम्ल राज बोला क्यों जाता है? अम्ल राज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारीजिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लैटिनम और गोल्ड को हम लोग पिघला नहीं सकते। कोई भी अगर आप इस हीट से रिएक्शन करवाओगे तो वो उसको पिघला नहीं सकता या उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता, मतलब वो अभिक्रिया नहीं कर सकता, इसलिए उसको नोबल मेटल भी बोला जाता है। बट एक्वारीजिया ऐसा टाइप का सीड है, उसको बनाया जाता है, हम लोग साइंटिस्ट मैनुफैक्चर करते हैं, हम लोग भी लैब में बना सकते हैं। फर्स्ट वो होता क्या है, यहाँ आपको ये सारे पॉइंट वाइज लिखा है, बस आप इतना जान जाओगे तो एक्वारीजिया के बारे में आप पूरा कन्फर्म पूरा डिटेल्स आपको पता हो जाएगा। यह जो द्रव्य होता है अति संचारक और सधूम होता है, मतलब ज्यादा कॉरोजन होता है, कॉरोडेड होता है, मतलब कि वो लोहा जैसे मेटल्स को भी पिघला सकता है, खराब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसको यूज भी किया जाता है गोल्ड को साफ करने में, गोल्ड और प्लैटिनम को प्योर करने में। और फिर ये होता कैसे, ये किस किस तरीके से रिएक्शन करता है, अब ये सब देखते हैं। पहले ये एक्वारीजिया बनाते कैसे हैं, हम लोग बनाते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अम्ल के बारे में पढ़ा होगा ना आपने, एंड उसमें इसका एग्जांपल भी देखा होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3। लेते हैं HNO3 का 1 पार्ट एंड HCl का 3 पार्ट वॉल्यूम में। समझ में आ रहा ना, 1 पार्ट और 3 पार्ट वॉल्यूम में, आयतन। आयतन में हम लोग 1 पार्ट लेते हैं HNO3 का और HCl का 3 पार्ट लेकर एक्वारीजिया बनाते हैं। और रेशियो का खास ध्यान रखना, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव में दिया गया है उसी तरीके से आप आंसर में भी टिक लगाओगे। अगर HNO3 HCl का रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो 1:3। अगर HCl और HNO3 का रेशियो पूछ रहा है तो आप 3:1 लगाना, गलती से भी मिस्टेक मत करना। एंड देन अब वो रिएक्शन कैसे करता है गोल्ड और प्लैटिनम से, इसमें भी तो है, जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं इसका कोई एक्वारीजिया का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं ये दोनों आपस में मिलता है तो नेसन क्लोरीन बनाता है। नेसन क्लोरीन बोले तो नवजात क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, उसी के कारण वही जो है गोल्ड और प्लैटिनम के साथ रिएक्शन करता है और वो गोल्ड 3 क्लोराइड बनाता है और प्लैटिनम 4 क्लोराइड बनाता है। इसी के कारण जो गोल्ड और प्लैटिनम होता है एक्वारीजिया में पिघल पाता है एंड और भी सारे एसिड्स इससे रिएक्ट्स नहीं करते, बिकॉज ये हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं अपना दिखाता है। क्या आपको पता चला अब अम्ल राज के बारे में, इसलिए इसको अम्लों का राजा भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्वारीजिया। थैंक यू।